देश में भारे वरसाद पगले अनेक जगह पर पूर जेवी स्थिति सर्जाई छे। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट आयु छे। त्यारे पीएम मोदी विदेश यात्रा थी परत आव्या नी गणतरी नी मिनिटो में ज दिल्ली ना एलजे सक्सेना साथे टेलिफोनिक बातचीत करी हती अने दिल्ली में पूर अंगे नी समीक्षा पण करी हती। देश में भारे वरसाद जोवा मळी रह्यो छे त्यारे देश ना केटलाक राज्यों में पूर जेवी स्थिति सर्जाई छे। यमुना नदी नो जलस्तर वधवाने लीधे अनेक विस्तारों डूबी गया। दिल्ली नी वात करिए तो दिल्ली ना अनेक विस्तारों हजू पण पाणी में गरकाव छे। रस्ताओ पानी में डूबी गया छे। यमुना बजार, मथुरा रोड, प्रगति मैदान, मयूर विहार, आईटीओ ने राजघाट पण पाणी भरायला छे। त्यारे फ्रांस ने यूएई ना प्रवासी परत आवतानी साथे ज वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आ मामले दिल्ली लेफ्टनंट गवर्नर वीके सक्सेना साथे टेलिफोनिक बातचीत करी। आ टेलिफोनिक बातचीत दरमियान पीएम मोदी यमुना नदी ना जलस्तर में वधारो थवाना कारणे दिल्ली में सर्जायेली पूरनी स्थिति अंगे चर्चा करी हती। साथे तेने रोकवा माटे त्यार सुधी में करवामां आवेला पगलाओ विषय पण जानकारी मेळवी हती। आ अंगे अधिकारीओए माहिती आपी हती अने साथे ज आ अंगे दिल्लीना लेफ्टनंट गवर्नर वीके सक्सेनाए पण ट्वीट कर्युं। दिल्लीना एलजी वीके सक्सेनाए ट्वीट में लख्युं हतुं के माननीय वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीजीए विदेशी परत आवतानी साथे ज फोन करी दिल्ली में पूरनी स्थिति विगतवार माहिती लीधी हती अने थई रहेला संबंधित प्रयासोनी पण संपूर्ण माहिती मेळवी हती। તેમણે ફરીથી કેન્દ્રની મદદ અને સહકારથી દિલ્હીવાસીઓના હિતમાં શક્ય તમામ કામ કરવાની પણ સૂચના આપી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન જ્યારે ફ્રાન્સમાં હતા ત્યારે પણ તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે વાતચીત કરી હતી અને દિલ્હીમાં સર્જાયેલી પૂરની સ્થિતિ વિશે વિગતો મેળવી હતી। ભારે વરસાદ બાદ દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે। યમુના નદીનું જળસ્તર ખતરાના નિશાનથી પણ ઉપર પહોંચી ગયું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ।